Jungle. यूपी के जौनपुर से यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी, रियाजुल हक की रिपोर्ट। मार्केटिंग का तरीका बहुत आसान सा है। ये छोटे व्यापारियों में इसे एक्सचेंज करते थे, जिससे जिनकी समझ थोड़ी कमज़ोर होती है वो ये पैसे को उतना ध्यान नहीं देते हैं कि नहीं ये असली नोट है या नकली नोट है, क्योंकि एक जैसी ही दिख रही हैं तो इसे पहचान करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। अभी तक सर कितनी नोटें बनाई हैं, कितने और अभी कितनी बरामद हुई है? तो इनसे जो पूछताछ में पता चला है तो जो इनसे बरामदगी हुई है ये 39,500 रुपये, ये भी लगता है इसी जो इन्होंने बदले हैं नोट को जो है ये 50% चलाते हैं, तो इसका धुना कर लीजिए। और जो इनसे बरामद हुआ है 8,100 रुपए नकली नोट बरामद। ये जौनपुर में ही करते थे कारोबार या बाहर भी? ये लोग काम करते हैं, ये यही है। और नहीं, ये काम चूंकि बहुत आसान सा है, ये जो प्रिंटर है इसमें प्रिंटर का इस्तेमाल किया गया है, अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर है, इसलिए जो करेंसी का जो कलर वगैरह है सब सेम है। सर जौनपुर जनपद में ही करते थे या अन्य जनपदों में भी? नहीं, अभी इसकी जाँच हो रही है, इनके लिंकेज और कहाँ कहाँ है।